वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल एवरीथिंग इज हियर। दिस इज अ चैनल ऑफ साइंस विद प्रतिमा विश्वकर्मा एंड यू कंप्लीट योर ऑल। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एट क्लास की साइंस की बुक से पहला चैप्टर पढ़ेंगे, व्हाट इज क्रॉप एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप होती क्या है? क्रॉप मीन्स होता है फसल। फसल मतलब गांव में आपने सुना होगा खेती होती है, जो खेतों में फार्मिंग की जाती है, किसान लोग होते हैं। अनाज हमारे कहाँ से आते हैं? फार्मर्स के थ्रू। कहाँ से आते हैं? लैंड से आते हैं। जो दाने या जो इसको अनाज या सीरियल्स बोलते हैं, जो हम खाने में यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे क्रॉप कहलाते हैं। ऑटोट्रॉपिक प्लांट विच प्रोवाइड अस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड क्रॉप। इसको हम किस फॉर्म में लेते हैं? फूड के फॉर्म में, ठीक है। ये हमको कहाँ से मिलते हैं? खेतों से। तो इनमें बेसिक कौन कौन सी हैं हम देख लेंगे। ये सिंपल से डिफिनीशन थी जो मैंने खुद जनरेट की थी, आप बुक की भी डिफिनीशन ले सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड दे गिव अस सीरियल्स, पल्सेस, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फाइबर एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड क्रॉप विच आर कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन अ लैंड। तो ये आपकी बुक की डिफिनीशन थी और यहाँ पे मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है। विच गिव अस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड एंड ऑटोट्रॉपिक इन नेचर इज कॉल्ड क्रॉप। ओके, तो यहाँ पे बेसिक हमारी कौन कौन सी क्रॉप हैं। पहली है वेजिटेबल्स, आपको सबको पता है जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, रूट, ट्यूबर, लीफी, फ्लावर, बर्ड एक्सेट्रा के फॉर्म में जितनी भी, कैबेज, टोमेटो, पोटैटो, अनियन, गार्लिक एक्सेट्रा, ये सब क्या है? हमारी वेजिटेबल्स में आती हैं। उसके बाद ग्रेन्स हमारा क्या है? ग्रेन्स में मेन है टू, सीरियल एंड पल्स। अगर इनका प्रोडक्शन बंद हो जाए तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन सर्वाइव करती है सी फूड पे, ठीक है। इंडिया के बाहर सी फूड है और सी फूड के बाद हम आते हैं फ्रूट्स पे, और फ्रूट्स भी इतना नहीं होता है जितना ये सीरियल्स और पल्सेस। पल्सेस हमारी जितनी भी तरह की दाल होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पल्स। और सीरियल जितने भी तरह के ग्रेन्स होते हैं, जैसे वीट, राइस एक्सेट्रा। अब इसके बाद मेन हमारी क्रॉपिंग है ऑयल सीड। आप लोग रिफाइंड ऑयल खाते हो, वो कहाँ से आता है? हमारे ऑयल सीड से आता है, ठीक है, जिसमें है सनफ्लावर, रिफाइंड ऑयल एक्सेट्रा, दुनिया भर के हैं पीनट्स ऑयल। तो वो सब हमारे कहाँ से कल्टीवेटेड होते हैं? ऑयल सीड का कल्चर किया जाता है। कल्चर मतलब उसको उगाते हैं, उसकी भी फार्मिंग होती है। फिर हमको ये मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बेसिक फॉर्म में, मस्टर्ड ऑयल और बीन्स के ऑयल का यूज़ होता है। इसके बाद हमारी मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप है कौन सी? फ्रूट। उसके बाद फाइबर, जैसे जूट, आपने बोरी वोरी देखी है, जो आपकी रोप बनती है, रस्सी वगैरह, वो सब किससे बनती है? इन्हीं फाइबर से बनती है, स्टोरेज के लिए। फिर अब यहाँ पे क्रॉप का इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमें ये मेन कंपोनेंट मिलते हैं। कौन कौन से? फैट ऑयल के फॉर्म में, प्रोटीन, पल्स, सोयाबीन एक्सेट्रा के फॉर्म में, विटामिन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन और मिनरल होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, राइस और शुगर, राइस और शुगर की जो कल्टीवेशन होती है। उसके बाद मिनरल कंपोनेंट भी होते हैं, जिंक, पोटेशियम, आयरन, स्पिनिच पालक में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद सॉल्ट्स, NaCl, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से हमको क्रॉपिंग करनी पड़ती है। इसके अदर भी सोर्स हैं, एनिमल सोर्स भी हैं, लेकिन प्लांट ज़्यादा बेनिफिशियल है और उस पर मैक्सिमम हमारी इंडियन पॉपुलेशन सर्वाइव करती है। और इंडिया में ही क्रॉपिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है। इंडिया के बाहर अमेरिका, साउथ कोरिया और ये उत्तरी अमेरिका में, आपके जिसको नॉर्थ अमेरिका भी बोलते हैं, वहाँ पे क्रॉपिंग बहुत एडवांस है। वहाँ पे वीट की फार्मिंग की जाती है, मेज की जाती है कॉर्न बनाने के लिए, लेकिन जितनी यहाँ पे क्वांटिटी में है वहाँ पे क्वालिटी में है। क्वांटिटी मतलब अधिक मात्रा में यहाँ होती है, क्वालिटी में वहाँ होती है। ओके, तो अब हम डेफिनेशन देख लेंगे बुक की आपकी। When the same kind of plant are grow in the field on a large scale is obtained is called crop, like cereals, जैसे wheat है,
वीट के बाद राइस है, मेज़ है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, सॉरी मैं टी में डॉट लगाना भूल गई, ओके, एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड क्रॉप। अब इतने के बाद हम देख लेंगे क्या टाइप्स ऑफ क्रॉप, टाइप क्रॉप जो आपके कोर्स में है क्लास एट्थ में कौन कौन से हैं, खरीफ की क्रॉप और रबी की क्रॉप। खरीफ में इनका सीज़न होता है, रेनी सीज़न में ये बोए जाते हैं जून से सितंबर तक, ठीक है, इसको बेसिकली पैडी बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी रबी की क्रॉप, इसको भी विंटर सीज़न में अक्टूबर से मार्च तक में इसकी कटाई हो जाती है, लेकिन बेसिक इसका सोइंग अक्टूबर टू नवंबर है, ओके। इसमें वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड ऑयल आते हैं एक्सेट्रा। और यहाँ पे खरीफ में एग्जांपल देख लेंगे, मेज, मिलेटस, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ज्वार एक्सेट्रा आते हैं, और बार्ले, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इन्हीं सब की, यही बेसिक दो क्रॉप हैं आपकी, इसके अलावा भी हैं और टाइप्स ऑफ क्रॉप में हम पढ़ेंगे। आपकी खरीफ की भी क्रॉप है, जायद की क्रॉप है, ठीक है, जायद के बाद कॉइन क्रॉप है, कॉइन के बाद इकोनॉमिक क्रॉप है, इकोनॉमिक के बाद फिशी कल्चर है, फिर उसके बाद पोल्ट्री है जिसमें एग का और हैन का कल्चर करते हैं, कल्चर मतलब पालना, ओके, या उसको ग्रो कराना। तो ये सब हमारी क्या होती हैं, उसमें आएंगी, हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी हम आ जाएं, क्रॉप आपने समझ लिया क्या होती हैं, अब इसके करने के तरीके, ये क्या है, बेसिक मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन या प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक सेकेंड बेटा मैं एडजस्ट कर लूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, ओके, हाँ। अब मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सेलेक्शन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू सीज़न। आपके पास जो वेदर है, इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सीड्स का सिलेक्शन करना, सॉरी लैंड का सिलेक्शन करना, लैंड जमीन जहाँ पे आपको खेती करनी है। फिर उसके बाद सेलेक्शन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू क्रॉप, जैसे आपकी लोमी सॉइल है, क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्रॉप ईजली ग्रो कर सके। तो बेटा क्रॉपिंग में बहुत मेहनत लगती है, हमारे फार्मर्स बहुत मेहनत करते हैं, तो उनको आप अप्रिशिएट करिए, जिनकी वजह से आपको बैठे बैठे खाने को मिलता है, क्योंकि फार्मिंग, एक बार की फार्मिंग में पूरा मैन पावर वो लेता है 24 घंटे का। अकॉर्डिंग टू सॉइल, आपने सॉइल सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद सोइंग आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग मतलब बोना, ठीक है, जो बोना मीन्स सीड्स को लगाना, जब सीड आप लैंड में इरिगेशन करने के बाद लगाते हैं वो क्या कहलाता है, सोइंग। फिर उसके बाद एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करना आफ्टर दैट इरिगेशन, ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट में ऐड करना, जिससे उनको पूरे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट मिलते रहें। इसके बाद इरिगेशन, फिर उसकी क्या करना है, थोड़ी सी स्प्रिंकल वाटर के थ्रू धीरे धीरे उस पर इरीगेशन करना। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ वीड्स। अब इरीगेशन स्पार्कल, थोड़ा सा मॉइस्चर देने के बाद पूरा उसको फिल नहीं करेंगे, ताकि सीड्स हमारा सब जर्मिनेट हो जाए। फिर क्या करना है, रिमूवल ऑफ वीड एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को हमें हटाना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि जो प्लांट होता है, प्लांट की ये जो लीफ है आप देख रहे हो, ठीक है, इस रीज़न से जहाँ से आपके पौधे ग्रो करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इनफ्लोरिसेंस, इनफ्लोरिसेंस हम इसको बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। इनफ्लोरिसेंस का मतलब होता है टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, ये कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और ये जब न्यूली होता है, जो आपने देखा होगा जहाँ से गुलाब के फूल में भी पुरानी पत्तियाँ हार्ड हो जाती हैं, जो नई निकलती हैं वो सॉफ्ट रेडिश होती हैं या बहुत ही मुलायम सी होती हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट होते हैं, स्टार्च और शुगर का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी को खाने के लिए इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, तो इनफ्लोरिसेंस की लीफ को ही मैक्सिमम ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर ये इनफ्लोरिसेंस की लीफ हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा पौधे में फ्लावर नहीं बनेगा, फ्लावर नहीं बनेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, उससे फ्लावर नहीं बनेगा तो सीड्स नहीं बनेंगे, और सीड्स नहीं बनेंगे तो हमारे ग्रेन्स नहीं आएंगे, ओके। तो यहाँ पे इरिगेशन, फिर हमारा क्या था, पेस्टिसाइड्स का यूज़। अब हम क्या, हार्वेस्टिंग एंड कटिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सही टाइम पे
जैसे ही हमारे सीरियल्स और ग्रेन्स तैयार हो गए हैं, यहाँ पे हार्वेस्टिंग, उसको कटिंग करना, उसके बाद स्टोरेज। तो स्टोरेज तक, यहाँ तक ये हमारा क्या था, मेथड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। पहला था सेलेक्शन ऑफ लैंड, सेलेक्शन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सॉइल, बोना, फिर उसके बाद मैन्योर फर्टिलाइज़र देना, फिर उसके बाद इरीगेशन करना, इरीगेशन करने के बाद रिमूवल ऑफ वीड्स, इसके बाद हार्वेस्टिंग, कटिंग एंड स्टोरेज। स्टोरेज के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो स्टोरेज में मैं बता दूँगी, टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर, और उसके बाद एनिमल होस्ट। तो इन सब का ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर सूटेबल हो, अगर मॉइस्चर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो ग्रेन्स के जो क्वालिटेटिव कंपोनेंट है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये क्रॉप रोटेशन। जब आपने एक बार वीट को लगाया एक ही जगह पे, इस लैंड पे गेहूं को आपने लगाया, उसके बाद इसमें पल्स को लगा दिया। पल्स क्या होते हैं, लेगुमिनस प्लांट होते हैं, इनके रूट में नोड्यूल बनते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से पल्स की खेती में कभी भी आपको मैन्योर डालने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और जिसकी वजह से इनको आपका सब फर्टिलाइज़र ईजिली मिलता रहता है, इनको किसी भी अलग से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर जब इसकी खेती के बाद वापस आप वीट इसमें लगाते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट आ चुके होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, फिर फोर्थ टाइम, ओके। तो इस तरह की हमारी खेती क्या कहलाती है, रोटेशन, रोटेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। ये दो तरह की होती है, मोनोट्रॉपिक एंड क्रॉपिंग। मोनोट्रॉपिक में क्या होती है, एक ही लैंड पे सिर्फ एक बार एक तरह की खेती की जाती है। और क्रॉपिंग में क्या होता है, क्रॉपिंग में उसी लैंड पे हम बार बार कई दो या तीन तरह के अनाज को या पल्स को उगाते हैं, जिससे हम क्यों, क्योंकि ये अनाज और पल्स क्या होते हैं हमारे, सॉरी सीरियल्स और गेंस, ये एनुअल भी होते हैं, बाई एनुअल भी लेते हैं, और सिक्स मंथली वाले भी होते हैं, मतलब सिक्स मंथ में जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो साल भर में आप दो बार इनकी खेती कर सकते हैं, जैसे गेहूं है और आपका चावल है। अब इसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, व्हाट इज़ मैन्योर। मैन्योर एडिटिंग ऑफ नेचुरल कंपोनेंट फॉर इन्हांस डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल फ्रॉम सॉइल। सॉइल में, ये आपकी सॉइल है, इसमें आउटर सरफेस पे जब आपके डेड लीफ एनिमल प्लांट एक्सेट्रा कोई भी वेस्ट मटेरियल जो आप उस पर थ्रो करते हैं, तो वो धीरे धीरे लॉन्ग लाइफ क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। डिपॉजिट हो करके वो क्या हो जाता है, यहाँ पर एक लेयर बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही फर्टाइल हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट होते हैं, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक रिस्पायरेशन करके यूरिया रिलीज करते हैं, जिससे यहाँ की ये लेयर, तो इसीलिए ह्यूमस और इरीगेशन को बचाना चाहिए, ऊपर की लेयर क्या हो, डिस्ट्रॉय ना होने पाए सॉइल की। तो ह्यूमस, ये क्या है, नेचुरल फार्मिंग में जो फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, मैन्योर। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस है, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, दे आर केमिकली फॉर्म। अब हम यहाँ पे पढ़ लेंगे फर्टिलाइज़र, ये बेसिकली अमोनियम, फास्फेट, कैल्शियम और यूरिया, इनसे बनते हैं। ये क्या होते हैं, केमिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस आपका फर्टिलाइज़र और ह्यूमस में, सॉरी मैन्योर में। मैन्योर आपके नेचुरल होते हैं और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, आपके फर्टिलाइज़र आपके क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र आपके केमिकल्स होते हैं। ओके बेटा, यहीं तक। अब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एक्सेट्रा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।